कांग्रेस लोकसभा सांसद शशि थरूर ने संसद में बने गतिरोध को लेकर निराशा जताई है। शशि थरूर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव पर कहा कि इसके चलते महत्वपूर्ण फैसले नहीं लिए जा रहे हैं और तमाम सारी बातें शशि थरूर ने कही और क्या कुछ कहा है सुनिए। गतिरोध बना हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं शशि थरूर। थरूर जी, आज एक बार फिर सदन की कार्रवाई बाधित है, नहीं चल पा रही है। मेरे ख्याल में ये बहुत बुरी बात है कि पार्लियामेंट संसद नहीं चल रहा है। बात यह है कि हमें तो एक ही मंच है जिसमें देश के सारे विषय उठा सकेंगे, मंत्रियों को प्रश्न पूछ सकेंगे, मंत्रियों का जवाब अगर हम संतुष्ट नहीं है तो फिर पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि जीरो आर में हम तो हमारे जो क्षेत्र के जो प्रश्न होते हैं उसको भी उठाने का बहुत बड़ा मौका है। अब ये सब खो जा रहा है। कुर्सी पर मतलब विपक्ष के लिए भी अच्छा अच्छी बात नहीं। सरकार आपको पता है कि बिना बहस से बिना चर्चा से बिल भी पास कर रहे हैं। जब अंबेडकर साहब ने ये संविधान को लिखा, किसी के मन में कभी ये नहीं था कि जो चर्चा होने के लिए संसद बना रहे हैं कि संसद के अंदर बिना चर्चा से लोग आके जाएंगे। अभी जो संसद में होने था ये तो टेलीविजन स्टूडियो के अंदर हो रहे हैं। ये क्या, ये अच्छा है हमारे लोकतंत्र के लिए? मुझे तो आज अच्छा आज बड़े हमले हुए हैं बीजेपी की ओर से। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मोर्चा संभाला, राहुल गांधी पर निशाना लगाया, देशद्रोही तक कहा गया, ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। और बीजेपी कह रही है कि सदन नहीं चल रहा है तो कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। देखिए, पहला दो हफ्ते तो जिम्मेदारी उनकी थी, क्योंकि वो लोग उठ के, आपको मालूम है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगो कह के संसद को चलाने नहीं दिया। अब सही है कि अभी विपक्ष ज़रा नाराज है। आपको मालूम है कि ये जो राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद तो नेशनली उनके तरफ से भी काफ़ी गुस्सा उठा है, तो दोनों तरफ से अभी ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें सारे पार्टी एक साथ बैठ के कोई और रास्ता नहीं निकाला तो संसद का बिल्कुल काम बेकार हो जा रहा है। मुझे एक सांसद के रूप में मुझे खुद नहीं लग रहा कि यहाँ आके ऐसे करके रोज जाने में कोई फायदा है देश को या हमारे वोटर्स को। धन्यवाद बात करने के लिए। और शशि थरूर, यहाँ पर जो सदन नहीं चल पा रहा है इसके लिए ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहले दो हफ्ते सरकार की वजह से नहीं चला सदन, उसके बाद विपक्ष ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, इसकी वजह से गतिरोध बना हुआ है, लेकिन सदन नहीं चल पा रहा है इसको लेकर वो भी निराशा जता रही हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।